सुनाओ, अभी आपने देखा कि हमने कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हमने सबसे पहले लिया है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो यहाँ से आपको पता भी चलेगा कौन सी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, किसमें फैट्स होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी आर मेनली शुगर एंड स्टार्च। सो कार्बोहाइड्रेट की मेन चीज क्या होती है, शुगर और स्टार्च। स्टार्च इज प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक राइस, वीट, मेज, ट्यूबर लाइक पोटैटोज एक्सेट्रा। अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको स्टार्च समझाऊं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज पोटैटो का सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर हम उसको ले एंड अगर आप उसको कट करते हो, अगर आप उसको हल्का सा अपने हैंड पे अप्लाई करोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, जिसको हम कहते हैं स्टार्च। वही सेम चीज वीट में भी होती है, राइस में भी होती है, ग्रेन्स जितनी भी होती है ना ऐसी, उनमें ये चीजें होती है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। नाउ स्टार्च समझ आ गए, शुगर आए वो सबको पता होगा, शुगर इज दी स्वीट सब्सटेंस तो सबको पता होगी। कॉमन शुगर वी यूज इज सुकर्स एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। सो जो सबसे कॉमन जिस चीनी हम घर में यूज करते हैं दैट कम्स फ्रॉम शुगर केन। ओके, ये हमारा जो चैप्टर वन था उसके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन था ना, शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। ओके, नाउ फैट्स अगर देखिए बात करें तो फैट्स आर स्टोर्ड एनर्जी सोर्सेज, ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही था। एनिमल सोर्सेज इंक्लूड मिल्क, बटर, घी, चीज एंड मीट। सो एनिमल सोर्सेज से जो हमें चीजें मिलती है जिसमें फैट होता है दैट इज मिल्क में फैट होता है। देखा, अब वैसे हमने सुना है मिल्क कितनी अच्छी बॉडी के लिए चीज होती है, तो यहां से भी पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि सभी फैट्स बेकार होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रिएंट्स में आ रहे हैं। Getting my point? हमें ऐसा लगता है कि फैट्स मतलब कि अगर इस पे फैट है तो भाई ये खा के हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बॉडी को फैट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। ओके, सो मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, मीट हो गया, आपने सुना होगा जैसे खासकर अगर कोई बहुत मोटा है तो कहते हैं ना चीज वगैरह कम खाओ या घी वगैरह कम खाओ, दैट्स बिकॉज कि उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है ऑलरेडी। अगर कोई ओबेसिटी है किसी को, कोई बहुत मोटा ऑलरेडी है तो दैट मीन्स उसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैट स्टोर्ड है, तो उसको अब और ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारी पहली चीज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे।